अमरूद का पेड़ में ढेर सारे अमरूद पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आज ये वीडियो से हम बताएंगे। देखिए, एक छोटा सा पेड़ है, ये गमले में है और इसमें देखिए ढेर सारे अभी फूल आया हुआ है, पूरा पेड़ में अभी फूल ही फूल आ गया है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं और ढेर सारे जो है पेड़ में फ्लावर ला सकते हैं और अमरूद भी इसमें बहुत सारा होगा। पहला चीज़ ध्यान में रखना है, इसमें जितना लंबा वाला डाली होगा उसको देखिए ऐसे बांध देना है नीचे तरफ, ऐसे जैसे हम बांध दिए हैं ऐसे झुका के इसको बांधना पड़ेगा और इसका जो आगे का जो पोर्शन है इसको काट देना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ढेर सारे ऐसे डाली निकलेगा और ढेर सारे डाली निकलेगा तो ढेर सारे इसमें फ्लावर भी आने का चांसेस बढ़ जाता है। देखिए, सब डाली इसमें बांधा हुआ है और आगे का पोर्शन इसमें काट दिए हैं। इससे क्या हुआ कि बहुत सारा डाली इसमें निकला और डाली निकलते निकलते ही फ्लावर भी आना शुरू हो गया। दूसरा चीज़ जो है, इसमें जल्दी से फ्लावर लाने के लिए लाल पोटास, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, गोबर खाद कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए और थोड़ा सा मात्रा में SSP जो सुपर फॉस्फेट है उसको देना है। दे के 2 दिन या 3 दिन बाद इसमें पानी देना है। खाली ध्यान में रखना है कि पत्ता जो है ये झुकना नहीं चाहिए। देखिएगा कि जब तक पेड़ में पानी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा तब तक पानी इसमें नहीं देना है। धीरे धीरे देखिएगा इसमें बहुत सारा फ्लावरिंग चालू कर देगा पेड़ और आप देख ही रहे हैं कि इसमें कितना सारा फ्लावर अभी आया हुआ है। और फिर भी देखिएगा कि अगर आपका फ्लावरिंग चालू नहीं हुआ तो थोड़ा मात्रा में आप जो है ग्रोथ रेगुलेटर जो है जिसको मिराकुलम बोला जाता है, मिराकुलम पानी में मिला के 15 दिन बाद एक बार स्प्रे कर देना है। एक बार स्प्रे करने के बाद ही देखिएगा ऐसे फ्लावरिंग चालू हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो दूसरा बार दीजिएगा या तीसरा बार दीजिएगा ठीक 15 दिन बाद जिसमें ज़रूर फ्लावरिंग चालू होगा। और सबसे बड़ा चीज़ जो है, जो लंबा जितना डाली होगा ऐसे थोड़ा सा बांध के झुका देना है। देखिए ये वाला डाली कितना लंबा था, इसको झुका दिए हैं और धीरे धीरे देखिए कितना इसमें डाली जो है भर गया है। इसमें क्या होगा, पेड़ ज़्यादा लंबा नहीं होगा, एक तो हाइट तक रहेगा और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत सारा होगा, नया नया डाली छोड़ेगा और नया नया जो है डाली छोड़ने के बाद ही फ्लावरिंग चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही आप भी करिए और खाद के बारे में तो बताए हैं और भी वीडियो में भी बताए हैं जल्दी से फ्लावरिंग के लिए क्या क्या खाद देना पड़ता है, वैसा करिए। करने से क्या होगा कि जल्दी से आपको फ्लावरिंग भी चालू हो जाएगा, पेड़ का भी ग्रोथ अच्छा रहेगा और अच्छा से इसमें फल भी होगा। और फल आने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा वो भी बताएंगे। अभी इतना तक ही वीडियो बना रहे हैं और चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आने वाले दिन में और भी अच्छा अच्छा वीडियो लाएंगे। तो धन्यवाद।